The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आपकी कुंडली में ग्रहों की वजह से, दशाओं की वजह से जो उथल पुथल मच रही है, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी का वर्षों का ज्ञान तथा कई दशकों का अनुभव अनमोल है। तर्क के साथ किया गया उपाय ही मनुष्य को अंधेरे से उजाले में ले जाता है। और प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी का वर्षों का रिसर्च करने के बाद बनाया गया लक्ष्मी यंत्र, ये लक्ष्मी यंत्र तो कई लोगों को निर्धनता से बाहर निकाल रहा है, निर्धनता के अंधेरे से उबार रहा है। हजारों लोग प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा से अपॉइंटमेंट लेकर मिल रहे हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं तथा उनके ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे इंसान से मिलकर लाभ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसका लाभ हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा से और हम भी अपने जीवन के गम को, अपनी कठिनाइयों को छोड़कर बाहर आने की कोशिश करते हैं, उजाले में आने की कोशिश करते हैं। आप उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने आप को परिचित करवा सकते हैं या तो फिर जो फोन नंबर्स दिए गए हैं उनके द्वारा प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं ज्योतिष गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से और जानते हैं सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ये आपका अपना शो है, आप इस शो को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। आपका ये प्यार ही है जो प्रोफेसर साहब को कभी लुधियाना तो कभी जलंधर तो कभी बठिंडा, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी चले जाते हैं प्रोफेसर साहब। आपको पता है प्रोफेसर साहब जो हैं बहुत बड़े ज्ञानी और साथ साथ खोजी भी हैं। खोज करने के लिए वो कभी कभी तो उड़ीसा तक भी चले जाते हैं। अब आपको पता है कि प्रोफेसर साहब जो अब का भ्रमण करके आए हैं वो ओडिशा का करके आए हैं। आपको पता है प्रोफेसर साहब जो अब की बार हैं वो ओडिशा का भ्रमण करके आए हैं और साथ साथ मुझे भी ले गए। तो आइए प्रोफेसर साहब से जानते हैं कि ओडिशा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अब की बार तो आप ओडिशा जाके आए हो और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, मैं भी साथ में गई थी। पर प्रोफेसर साहब इतनी दूर गर्मी में आपको क्या सूझी कि आप उड़ीसा तक ले गए। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आपने पूछा कि जो उड़ीसा का भ्रमण कैसा रहा, उड़ीसा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अरे भाई सच बताऊं तो 48 डिग्री टेम्परेचर था और नंगे पांव मंदिर में कभी कभी जाना पड़ता था और कई दफ़ा तो ऐसा था हमारे डायरेक्टर साहब भी बीमार हो गए, कैमरा मैन भी बीमार हो गया, मेरा भी गला अभी तक नासूर है। प्रोफेसर साहब आपकी सेहत तो नासूर लगी रही है, थोड़े से काले भी लग रहे हो। साथ साथ देखिए मेरी बाजू में भी आपने टैन करवा दिया, थोड़े से सलून जाना ही पड़ेगा आपको मुझको। टैन आ गई है, बहुत टैन हो गई। देखो प्रोफेसर साहब इतनी गोरी चट्टी थी मैं तो। कोई बात नहीं, सलून का 50 रुपए दे दूंगा आपको मैं। प्रोफेसर साहब वो तो अंदर ही नहीं जाने देंगे। जरूरी है सलून जाना क्योंकि ना वाकई में 48 डिग्री टेम्परेचर था। तो यहाँ हम जब टेम्परेचर में गए थे तकरीबन कोई 30 टेम्परेचर में गए थे, 27-30 टेम्परेचर था और वहाँ जाके एकदम में 48 डिग्री टेम्परेचर में जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, खड़ा नहीं जा रहा था। वहाँ पे हमने कैप ली थी जो घोड़ों हुई, हमारा घोड़ा तो मिला नहीं, हम घोड़े को ढूंढते रहे लेकिन कैप हमने वो ले रखी थी क्योंकि धूप से जो हमारा टैन ना ऊपर आ जाए, लेकिन नहीं छोड़ा धूप ने हमें। बहुत गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ठंडा पानी मैं बिल्कुल भी नहीं पीता था तो वहाँ जाके थोड़ा सा पानी पीना पड़ा जिससे मेरा गला ख़राब हो गया।
सभी बीमार हो गए, लेकिन सबको लेकर मैं गया था और ठीक मैंने करना था, इसलिए उसको सबको मैंने 2-3 दिन में ठीक किया। 5 दिन का हमारा जो टूर था वो बहुत मज़े में रहा। ऐसे जो मंदिर मैंने, मैं तो पहले गया हुआ था 1993 में, 1993 में मैं गया था दिसंबर में, 1993 में मैं दिसंबर में गया था उड़ीसा, और आज कितने दिनों बाद, 25 साल बाद मेरा भ्रमण लगा। प्रोफेसर साहब, मैं तो कभी जा ही नहीं सकती थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे लेके गए साथ में। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा प्रोफेसर साहब, जैसे इतने ऐतिहासिक मंदिर, इतने हज़ारों साल पुराने मंदिर जो थे वो देखने को मिले, लेकिन कभी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उड़ीसा जैसे शहर में जाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो पूरी टीम मेरे को बोल रही थी कि इतने ऐतिहासिक मंदिरों में आप लेकर गए, वैसे तो ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों में मैं लेकर जाना चाहता हूँ सबको, पर प्रोफेसर आपको इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहता कोई भी। जितनी गर्मी में आप ले गए। नहीं, आपके मन में क्या सोची कि आप इतनी दूर, इतनी गर्मी में, इतना टेम्परेचर आप लेके चले गए? मैं 1993 में गया था शिफाली जी, 1993 में गया था, 1993 मेरे को कहते हैं छवियाँ याद थी, वो चित्रकारी मेरे को याद थी। एक इंसान आया उड़ीसा का, उसने मुझे वो छवि याद दिला दी, वो चित्रकारी याद दिला दी, फिर बस दिमाग में बात बैठ गई। मैंने कहा सभी जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि जो बात दिमाग में बैठ जाती है वो फिर नुकसान करती है, उसे फटाफट से ख़त्म कर दूँ। बहुत ध्यान से बात सुनिए, जो बात दिमाग में बैठ जाती है उसे फटाफट निकाल देनी चाहिए, जब तक वो निकालेगी नहीं वो घर कर जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसलिए दिमाग में कोई भी बात नहीं बिठानी चाहिए। अब बताइए क्या बोल रहे थे आप? प्रोफेसर, आप फॉरेन के भी टूर लगाते रहते हैं, लेकिन कभी वहाँ पे जाके एपिसोड नहीं किए। नहीं, आपकी बार शिफाली जी और मेरे डायरेक्टर और कैमरामैन सबको मैं साथ लेकर जाऊँगा जरूर। अब फॉरेन का जहाँ आपको मैंने गर्मी दिखाई, अब बर्फीले लाके दिखाऊंगा मैं आपको, और जरूर लेकर जाऊंगा। हो सकता है 2-3 महीने में अंदर मैं लेकर जाऊं। कई बार प्रोफेसर साहब, हाँ ना, कस्टमर मुझे आगे बोलते हैं कि आप बहुत लक्की हो कि प्रोफेसर साहब के साथ रहते हो। मैं कहती हूँ हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ, मुझे पॉजिटिविटी मिलती रहती है, लेकिन प्रोफेसर साहब कभी कभी आप तो घर बैठे ही इनको दिखा देते हो सारा एपिसोड, एपिसोड के जरिए ही सारा कुछ दिखा देते हो। और मेरी कोशिश यही होती है शिफाली जी, जब भी मैं कहीं पर भी जाऊँ वहाँ आप सबको साथ लेकर जाऊँ, यानी कि अगर कैमरा मेरा साथ गया तो आप सभी घर में बैठ के साथ जाओगे। इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ वहाँ टूर लगाए और मैंने आपको साथ लेकर गया और आपको वो दृश्य दिखाए जो मैंने खुद देखे। मेरी कोशिश यही होती है कि खोज के साथ साथ जो यहाँ पे जाके मैं पॉजिटिविटी इकट्ठी करता हूँ और आपके सामने बांटता हूँ। और जो उड़ीसा का भ्रमण था, गर्मी वाला था बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ से कुछ ज्ञान की, कहते ना पंथड़ियाँ, कुछ ज्ञान के अमृत के घूंट पीकर आया हूँ, वो आप सबको बताऊँगा मैं कि कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए। वैसे तो कुछ इंसान जलसी भी करते हैं, कुछ इंसान कहते हैं यार ये कैसे चला जाता है इतनी इतनी दूर, ये कैसे क्यों करता है ऐसा, हमने कभी सोचा नहीं था कोई एक एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे जा सकता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि कहते हैं ना जब हाथी चलता है तो छोटे मोटे जानवर तो भौंकते ही हैं, छोटे मोटे जानवर तो उसे काटने को भौंकते हैं, लेकिन हाथी को अपनी चाल नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी चाल बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा और मेरी कोशिश ऐसे ही बनी रहेगी कि आपको एक और बड़ा मंदिर दिखाना है जो आज से 5,000 साल पुराना है, वो जरूर दिखाऊंगा। वो मेरे मन वाला महाराष्ट्र वाला बिल्कुल है, लेकिन वो दिसंबर में जाऊंगा, नहीं तो मेरा कैमरामैन डायरेक्टर फिर बोलेगा कि गर्मी फिर लेकर गए। वो दिसंबर और जनवरी में मैं लेकर जाऊंगा, सर्दी में फूल लेकर जाऊंगा क्योंकि वहाँ गर्मी होती है। वहाँ आपको 5,000 साल पुराना मंदिर लेकर जाऊंगा जो एक ही पत्थर से बना हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा मंदिर है। वैसे अगर वो आज हम उस मंदिर को बनाना चाहें तो 200 साल में भी नहीं बनता, लेकिन उन्होंने 18-20 साल में बनाया है। कैसे बनाया होगा, कैसे किस तरह बनाया होगा, यही मैं दिखाना चाहता हूं आप सबको। लेकिन लेकर जाऊंगा जनवरी दिसंबर में लेकर जाऊंगा जहां पे सर्दी होगी। तो और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं इकट्ठी करके आया हूं आपके लिए बताने के लिए।
अगर कुंडली में सूर्य देव अच्छे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं वहाँ सूर्य मंदिर में बैठ के अनुभव किया, अगर कुंडली में सूर्य देव अच्छे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बदनामी जिंदगी भर नहीं हो सकती। वहाँ बैठकर मैंने एक चीज़ देखी कि क्योंकि सूर्य टेंपल में बैठा हुआ था, तो सूर्य टेंपल महागुरु का, वहाँ बैठ के मैंने सूर्य के बारे में जाना। कुंडली में अगर जिसका सूर्य अच्छा होता है उसकी बदनामी कभी नहीं होती। कुंडली में अगर जिसका सूर्य अच्छा होता है उसकी बदनामी कभी नहीं होती। एक अच्छा पॉइंट सुनिए अब, जिसका कुंडली में सूर्य अच्छा होता है उसका नाम होता है, इज्जत होती है, सम्मान होता है, जिंदगी भर डाउनफॉल नहीं देखना पड़ता जिसका सूर्य अच्छा होता है कुंडली में। देखिए कि सूर्य टेंपल में जाकर सूर्य के देव के बारे में जाकर जानने को मिला, कितना कुछ जानने के मिला कि वहाँ पे बैठकर मैंने ये जाना कि सूर्य देव का जो रथ है, आपको मालूम है उन्होंने जो मंदिर बनाया है वो बड़े बड़े पहियों के ऊपर खड़ा किया हुआ था, एक रथ बनाया था, रथ के ऊपर खड़ा किया हुआ था देखिए, और वो रथ के जो पहिए थे विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाई हुई थी, 8 प्रतिमा विष्णु भगवान की अलग अलग, और उसको खींचते हुए जो घोड़े थे 4 घोड़े आगे 4 घोड़े पीछे, उसके आगे 4 घोड़े उसके पीछे 4 घोड़े, ऐसे घोड़ों से पूरे मंदिर को खींचा जा रहा था देखिए, और इतना सुंदर दृश्य बना रखा था वो, देखता जब मैं देखता और देखता ही रह गया सूर्य देव के बारे में, ये सूर्य देव का रथ है। आपको मालूम है जब भी सूर्यदेव रथ में बैठते तो ऐसे ही रथ में बैठते हैं। वहाँ जाकर मैंने जाना कि वाकई में सूर्यदेव का जो रथ होगा वो ऐसा ही होगा, सूर्यदेव का जो रथ होगा ऐसे ही देवताओं से भरा हुआ रथ होगा, ऐसे ही देवता इर्द गिर्द उसके घूमते होंगे जब सूर्यदेव चलते होंगे। आपको मालूम है कि सूर्यदेव कभी नहीं चलते, वो सिर्फ साल में 4 सेकंड का कहते हैं, 4 सेकंड ही चलते हैं आगे, बस धरती घूमती है, सूर्यदेव नहीं घूमते, वो नहीं चलते, लेकिन जब वो चलते होंगे ब्रह्मांड के देवता, पृथ्वी के देवता इर्द गिर्द उनके आसपास ही झूमते रहे होंगे। और जब मैंने वो दृश्य देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिस कुंडली में सूर्यदेव अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कहीं कुंडली में सूर्यदेव अच्छा ना हो वो जिंदगी भर कामयाब नहीं हो पाता। सूर्यदेव को अच्छा करना बहुत आसान है, सूर्यदेव को अच्छा करना बहुत ज़्यादा आसान है, वो कैसे, अगर कहीं आप अपने पिता का सम्मान करते हो, इज्जत करते हो, उनके पैर ही हाथ लगाते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो आपका सूर्यदेव अच्छा हो गया। अगर कहीं आप सूर्य को सुबह उठकर नमस्कार बुलाते हो, सुबह उठकर सैर करते हो, जब सूर्य निकलता है वेट करते हो, तो आपको कभी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको नौकरी में रोक सके, नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। जिसका सूर्यदेव अच्छा नहीं होता वो पहले सूर्यदेव को अच्छा करे, क्योंकि जब मैं सन मंदिर गया, सूर्य के मंदिर में जहाँ पे सन टेंपल बना हुआ था, और पूरी पृथ्वी पे ऐसा टेंपल सूर्य का मंदिर कोणार्क में ही है और कहीं नहीं है, इतना बड़ा, चलो वो अलग बात है कि उसको तहस नहस कर दिया गया मुग़लों ने, वो अलग बात है कि आज से 112 साल पहले वो ढह चुका था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा चुंबक पत्थर ऊपर रखा हुआ था जहाँ से जिससे सूर्य देव चमकते थे, वो गिर गया, नीचे दबा पड़ा है, लेकिन कुछ जो उनकी संस्था है वो अभी तक उनको खड़ाए रखने में कामयाब रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे शासन आए हैं जिन्होंने पूरे मंदिरों को तहस नहस कर दिया, अपनी जो प्रकृति है, अपनी जो प्रकृति के ऊपर छेड़छाड़ की है, जो हमारी संस्कृति है उनको ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना ये संस्कृति कभी ख़त्म नहीं होगी, ये जो हमारे ऋषियों मुनियों की धरती है ये कुछ निशानियां लेकर खड़ी हुई हैं, जो भारत की धरती है, हिंदुस्तान की धरती है, और वहाँ ऐसे मंदिर मैं देख के आया जो लिंगराज मंदिर है, बहुत बड़ा है, और
भोले शंकर जी का है, जगन्नाथपुरी बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी एक खासियत भी है, जगन्नाथपुरी की ऊपर से कोई भी विमान कोई भी जहाज ऊपर से नहीं गुजरता, देखिए बहुत बड़ी खासियत है, और ऊपर से कोई भी पंछी नहीं गुजरता, पंछी इर्द गिर्द घूमेंगे लेकिन ऊपर कभी नहीं जाएंगे, देखिए बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें देख के आया हूँ जो आपको नहीं पता थी, और आपको बताने के लिए ऐसा ज्ञान इकट्ठा करके आया हूँ जो हर एपिसोड में बताता रहूँगा, लेकिन 5-6 दिन हम रुके हैं, सिर्फ 5-6 दिन में ही ऐसा लगने लगा कि जैसे पंजाब मेरा पता नहीं कितनी दूर रह गया, इसलिए भागा चलाया फिर पंजाब में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी वहाँ गर्मी थी, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। हाँ, रास्ते में दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा आई कि जाना पड़ा, और मौसम भी बहुत ख़राब था, हवाई जहाज़ में बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्बिंग लगी, लेकिन हम पहुँचे अपनी मंजिल पे, ऐसे ही अपनी मंजिल पे फिर से दोबारा वापस आए और आपके सामने फिर आ गए, देखिए। और ये सारी बातें जितनी भी बातें थी आपके लिए इकट्ठी करके लेके आया हूँ, और आपको धीरे धीरे हर एपिसोड में मैं बताता रहूँगा। प्रोफेसर साहब, आपने बोला कि सूर्य अच्छा हो तो मतलब जॉब लग जाती है, क्या सूर्य अच्छा हो फिर भी पिता से नहीं बनती, क्या ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने कि जिसका सूर्य अच्छा हो वो तरक्की ना मिले, ऐसा कुछ हो सकता है? अगर सूर्य अच्छा हो, मान लीजिए सूर्य मेष राशि का है आपका, और ऊपर से दृष्टि राहु की है, या वो पीड़ित तो हो जाए, अगर उच्च का सूर्य पीड़ित तो होता है इसका मतलब और भी ज़्यादा खराब हो, अगर उच्च का सूर्य खराब होता है पीड़ित तो होता है इसका मतलब और भी ज़्यादा खराब होता है। कुंडली को देखना बहुत ज़्यादा कठिन है, जो आज तक कोई देख नहीं पाया, कुंडली में अगर सूर्य अच्छा होता है तो वो खराब हो ही नहीं सकता, कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है तो वो आपको जॉब दिलाएगा ही दिलाएगा, कामयाबी देगा ही देगा, वो अलग बात है कि शनि की दृष्टि से, राहु की दृष्टि से, केतु की दृष्टि से वो खराब हो जाता है। लेकिन कभी भी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ पे हैं, आगे बादल आ जाए, क्या सूर्यदेव को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, बादल क्या है? राहु। हालांकि दिखाई नहीं देंगे, बादल दिखाई देंगे, सूर्यदेव दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पीछे सूर्य का अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ है, यहाँ पे मैं काला रंग का पर्दा डाल दूँ, क्या सूर्यदेव को फ़र्क पड़ेगा? आपको सूर्यदेव दिखाई नहीं देंगे, आपका सूर्यदेव खराब हो गया, लेकिन सूर्यदेव को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इधर देंगे रोशनी, नीचे देंगे रोशनी, पीछे रोशनी देंगे, आगे कपड़ा आपने काला रखा है, यानी कि आपकी कुंडली में शनि साथ में बैठा है। मान लीजिए गंध पड़ा है बहुत ज़्यादा बदबू वाला, सूर्यदेव की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, क्या सूर्यदेव को फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये साइंटिफिक रीजन से समझा रहा हूँ आप सबको मैं, जो कि हर बात के पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है मेरी बात का। अगर गंध के ऊपर सूर्यदेव की रोशनी पड़ेगी वो गंध खाद बन जाएगी, सूर्यदेव की रोशनी भी अमृत के बराबर है, जिसके ऊपर पड़ती है उसको कहते हैं जीवन दान देती है। अगर इंसान सूर्य की रोशनी ना ले तो हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाती है, विटामिन डी की प्रॉब्लम आ जाती है, चमड़ी मुलायम हो जाती है, चमड़ी की ऊपर की तह दो ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है पता है क्या होता है? इंसान की उम्र ज़्यादातर नहीं रहती, 35-40 साल की उम्र में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, जो इंसान सूर्य की रोशनी नहीं लेते, सूर्य की रोशनी में रहते हैं 120 साल की उम्र में जाते हैं। देखिए कितना बड़ा महत्व है, जो इंसान सूर्य की रोशनी में काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, जाते हैं, उसकी आयु भी बढ़ती है, और जो इंसान सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं लेते, सूर्य की रोशनी में नहीं जाते, उनकी आयु आधे से भी कम रह जाती है। बहुत सी ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आपको हर एपिसोड में धीरे धीरे बताता रहूँ। प्रोफेसर साहब, क्या सूर्य को अच्छा करने के लिए क्या सूर्य को हर इंसान को जो है नमस्कार बुलाना चाहिए? क्या कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं कि सूर्य मतलब किसी को देखना भी नहीं चाहिए? हाँ, कुंडली में कुछ ऐसे योग भी होते हैं जिसे सूर्य को देव को देखना नहीं चाहिए, जैसे कि सूर्य देव छठे हाउस में हो तो मैं कहता हूँ जब सूर्य निकल जाए तब उठना चाहिए,
क्योंकि जब सूर्य छठे हाउस में पाताल में बैठा है तो सूर्य जब सिर के ऊपर आ जाए तब उठना चाहिए, यानी कि सुबह जब सूर्य लाली में होता है तब नहीं उठना चाहिए। ऐसे बहुत से ग्रह होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हमारा सूर्य लग्न में है, हम सूर्य को देखते हैं तो पूरा दिन हमारा ख़राब जाता है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलती है कि वो सूर्य देव को अच्छा करना चाहते ही नहीं। अगर सूर्य देव लग्न में हो तो वो बहुत बढ़िया होता है। सूर्यदेव लगन में हो इज्जत मान सम्मान दिलाता है। सूर्यदेव लगन में हो जॉब पे जॉब मिलती जाती है। सूर्यदेव लगन पे हो तो नाम होता है घर पे, ऐसे इंसान की इज्जत मान सम्मान होती है। सूर्यदेव लगन में हो तो घर वाले उस बच्चे को पूछते हैं जिसका सूर्यदेव लगन में हो, तो देखिए उनको जॉब की कमी नहीं होती। वो जॉब हटना चाहे तो वो जो मालिक है जॉब को हटाने नहीं देता। सूर्यदेव अगर कहीं लग्न में हो तो, लेकिन जिसका सूर्यदेव लग्न में होता है तो कहते उस बंदे को घमंड आ जाता है। जिसको घमंड आ जाता है उसका सूर्यदेव खराब हो जाता है, हटी हो जाते हैं। जो सूर्यदेव खराब होते हैं अगर वो बच्चे हटी होते हैं तो उसका मतलब ये है कि सूर्यदेव खराब हो जाता है। सिर के बाल सूर्यदेव जब लग्न में आता है तो सिर के बाल झड़ जाते हैं, पिता के साथ बनती नहीं ऐसे बच्चों की। और सूर्यदेव जैसे ही लगन में आता है आंखों की निगाह भी कमज़ोर कर देता है। मस्तक का सूर्यदेव जरूर चमकता है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं दृष्टि का, आप देखेंगे दृष्टि संबंध क्या करता है। अगर कहीं शनि की दृष्टि आ रही हो तो सूर्यदेव बुरी तरह खराब हो जाते हैं। अगर कहीं राहु की दृष्टि हो तो सूर्यदेव कम खराब होते हैं। अगर कहीं केतु की दृष्टि हो तो सूर्यदेव और कम खराब होते हैं। देखना पड़ेगा कि सूर्यदेव की दृष्टि, सूर्यदेव के ऊपर किसके ग्रह की दृष्टि है, और ये तो कुंडली देख के ही पता चलेगा आपका सूर्य कैसा है और कैसे ठीक करना है, ये आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। प्रोफेसर साहब आज आपने बहुत अच्छा बताया, सूर्य लगन में हो छठे घर में हो, आज आपने ये बताने की बहुत अच्छी कोशिश की। अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे लिखे अपॉइंटमेंट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार। भगवान के रूप में लक्ष्मी जी को पेश किया, मैंने एक वादा भी किया था, मैंने कहा था कि इसमें जो जो मैंने धातुओं डाली है, पहले मैं आपको इसको धातुओं का थोड़ा सा वर्णन बता दूं, तब के आपको पता चले कि कौन सी धातु किसके लिए होती है। ये जो गोल्ड, शुद्ध गोल्ड प्लेटेड मैंने किया है, ये है सूर्य की धातु। शुद्ध गोल्ड सूर्य का होता है, मिश्रण गोल्ड गुरु का होता है। ये आज तक नहीं पता, किताबों में तो लिखा है गोल्ड गुरु का होता है, लेकिन गोल्ड के बारे में बताया ही नहीं गया। ये शुद्ध गोल्ड सूर्य का बताया गया है, लेकिन ये पूरी धातु ब्रास की है, पीतल की। ये पीतल जो होता है ये गुरु की धातु मानी गई है। इसमें कुछ चीजें मैंने चांदी की डाल रखी है। चांदी जो होती है लक्ष्मी का कारका होता है। इसमें मैंने जो कील लगा रखी है वो कॉपर की लगा रखी है। कॉपर जो होता है मंगल का कारका होता है। वैसे मंगल सूर्य को भी कॉपर बोला जाता है, लेकिन भाई सूर्य की कॉपर धातु नहीं होती, सूर्य की शुद्ध धातु होती है 24 कैरेट सोना। लेकिन इसके ऊपर जो कॉपर के मैंने बना रखे हैं, जो कील लगा रखी है, वो है मंगल की धातु। थोड़ा सा कांसे का मिश्रण किया गया है, लोहे का मिश्रण जो नीचे से, क्योंकि मैं पूरा ये चाहता था कि इसमें सभी ग्रहों की आशीर्वाद हो, सभी ग्रहों का। ये नहीं कि मैंने एक धातु से मैंने बना दिया और आपको वो चीज दे दी। इसकी पॉजिटिविटी मैं आपको साइंटिफिक रीजन से यहां पे बताऊंगा कि कितनी पॉजिटिविटी देती है, वो मैंने मशीनें मंगा रखी हैं, आपको पता चलेगा कि इसके में जो धातु है, जो लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, कितना इसके इसमें पॉजिटिविटी है। इसको घर रखने से ही पॉजिटिविटी आती है। लक्ष्मी जी हमेशा आज तक आपने बैठे हुए रूप में देखे हैं, लेकिन छैया के रूप में बिल्कुल नहीं देखे। आज मैंने जो ये रूप बनाया है, लेकिन उठने को और बैठने को वक्त लगता है। जो ये प्रतिमा रखेंगे उनके घर में लक्ष्मी का सदैव वास हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ कि भगवान करे आपके घर में ये वास हमेशा रहे। और जब कहते हैं ना दुख दरिद्र बीमारी ये लक्ष्मी जी से ही दूर होते हैं, कहते हैं पंजाबी दी फिर कहावत मैं जरूर बोलूंगा लाहौर दी, क्योंकि मैं पीछे से लाहौर का हूँ, कहते जिसकी झोली दाने उंदे कमले भी सियाने, पुरानी कहावत है साड़ी। इस करके जे लक्ष्मी जी का जहां पे जिसके पास पैसा होगा उसके पास कहां दुख कहां दर्द कहां रहेगी बीमारी, सब दूर हो जाएगा। यही मैंने 15 साल की खोज आपके सामने पेश की।
धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महत्व अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में हर तरफ दुखी दुख और दुखों की कोई सीमा नहीं, हर तरफ संघर्ष है, चारों तरफ कश्ती कश्ती, चारों ओर तकलीफें, असफलता, कुंठा, निराशा, ये सब अनेक नाम है दुखों के। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। जिंदगी में एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, और जब जिंदगी में दुख आता है तो साया भी अपना साथ छोड़ देता है, अपने भी पराए। ऐसे में अपना दुख किससे कहे? कौन है जो आपका सच्चा हमदर्द है? क्या आपको कोई उम्मीद है? जी हाँ, उम्मीद की एक किरण है, एक शख्स है, और वो शख्स है जो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए खड़ा है, और वो है विश्वविख्यात ज्योतिषों के गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। नमः शिवाय। जो पिछले कई सालों से प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी अपने ज्योतिष के गहन अध्ययन से लाखों लोगों को उनके कष्टों से छुटकारा दिला चुके हैं। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी की एक खासियत है कि वो जो भी बात करते हैं वो गहरी शोध और लॉजिक के साथ करते हैं, ताकि लोगों में भ्रम और अंधविश्वास ना हो। ज्योतिष के ज्ञान को वो लोगों में बांटना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है अपना सहारा खुद बनाना। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी आज अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर देश के उन चंद ज्योतिष गुरुओं में से एक हो गए जिन पर लोगों का अटूट विश्वास है। उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हुई। उन्होंने लाखों लोगों को उपाय बताए हैं, उससे उनकी जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो गए। जाने कितने लोगों को रोजगार, पढ़ाई, शादी में, कोर्ट कचहरियों की किल्लत, विवाह, गरीबी में, बीमारी में, ऐसे कितने कष्टों से निजात दिलाई, और उसके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सच्ची ताकत है ज्योतिष विद्या का ऐसा ज्ञान जो बहुत कम लोगों के पास है।
ज्योतिषों के गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी।